दिस प्लेस मतलब थोड़ा सिटी से बाहर है, मतलब बहुत बढ़िया जगह है। तो यहाँ पे मैं बहुत बार पहले भी आई थी, तो आज मैं आई हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। सो चलते हैं अंदर, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you.
ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है हमने, एक बटर नान ऑर्डर किया है एंड देन वेज फ्राइड राइस एंड देन चिकन टिक्का बटर मसाला आई गेस, पता नहीं, या चिकन बटर मसाला एंड देन दिस दाल फ्राई एंड दिस पनीर बटर मसाला, या सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द फूड. Thank you. Guys, this is the dal fry. मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है इनका, मतलब यू नो एक बकेट सॉर्ट ऑफ में देते हैं. एंड दिस इज द वेज फ्राइड राइस, दिस इज द तंदूरी चिकन बटर मसाला, ऐसा ही कुछ था, आई फॉरगॉट द नेम. एंड दिस इज द पनीर बटर मसाला एंड दिस इज द बटर नान. सो अभी स्टार्ट करते हैं. कैन सी कुमार वेटिंग फॉर द फूड. लास्ट में उन लोगों ने सलाद भी दिया है एंड गाइस द फूड इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. मतलब ये जो पनीर है ना, पनीर का जो ग्रेवी है, मतलब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है मैं इसी के अंदर जस्ट घुस जाऊं. मतलब इट्स सो गुड, लवली. सो गाइज यू कैन सी, मतलब ये जो गोकुल धाम का ढाबा है ना, मतलब ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है. हम लोग बहुत लेट करके आए हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा चैम्बर था. यू कैन सी ये पूरा सिटी के बाहर है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है. इफ़ यू कम इन द मॉर्निंग टाइम ऑल्सो, आई मीन फॉर लंच और समथिंग, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो अभी सो गाइज अभी घर पहुँच के देंगे रेटिंग, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज रेट, जो मुझे अच्छा लगता है मैं हमेशा इसको रेट करती हूँ. तो या लेट्स गो टू होम, बिकॉज अभी ऑलरेडी 10:05 बज चुके हैं. हम लोग लेट करके आया है बिकॉज मेरा चैम्बर था, नथिंग कैन बी डन. सो या लेट्स गो. सो गाइज आई एम बैक होम. सो अभी बारी है रेटिंग की. हाँ, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेज फ्राइडर्स 10 out of 10, टू गुड. सब कुछ था उसमें, यू नो ज़्यादा ऑयली भी नहीं था एंड सब कुछ या परफेक्ट था. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दाल फ्राई मैंने वो टेस्ट नहीं किया बिकॉज पनीर बटर मसाला और नान, जो बटर नान था ना, वो खा के मेरा पेट भर गया था. आई वॉज जस्ट स्केयर्ड कि मैं चिकन बटर मसाला खा पाऊंगी कि नहीं. तो दाल फ्राई मैंने थोड़ा हल्का सा टेस्ट किया था, वो दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड. आउट ऑफ 10 आई विल गिव इट 8.5 या. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पनीर बटर मसाला वॉज नेक्स्ट लेवल का खाना भाई साहब था वो वाला. मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब टू गुड, मतलब जस्ट वाओ इट वॉज. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इसके ऊपर जो क्रीम अगर आपने देखा है तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे. तो आउट ऑफ 10 पनीर बटर मसाला डिजर्व यू नो 20. तो 10 में 20 भी बहुत ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करता है वो पनीर बटर मसाला. एंड देन द चिकन पार्ट, चिकन वॉज वेरी सॉफ्ट,
ग्रेवी वॉज नॉट एट ऑल तीखा बिकॉज कुमार तीखा नहीं खा सकते, तो इसलिए तीखा में पहले उनको बोल दिया था कि तीखा नहीं दे, और तीखा वॉज नॉट देयर, नो स्पाइस, टोटली गुड इट वॉज, द ग्रेवी वॉज परफेक्ट, द चिकन वॉज सॉफ्ट एंड देन द बटर वॉज ऑल्सो गुड. ओवरऑल चिकन बटर मसाला ऑल्सो डिजर्व 10 out of 10. बटर नन वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग, नॉट मतलब जो हार्ड कभी और होता है ना कि कई बहुत जगह अगर आप खाओगे तो बटर नन थोड़ा हार्ड रहता है उसका क्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं था, परफेक्ट इट वॉज, एवरीथिंग वॉज गुड. सो गाइज आप भी कभी अगरतला आओ या जो भी अभी भी अगरतला में हैं, अभी तक गोकुल धाम का धावा नहीं गए हो, प्लीज डू विजिट दिस प्लेस, इट्स वेरी गुड एंड यू जस्ट लव इट. गोकुल धाम का धाम मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज ये थोड़ा साइड में है, मतलब ये सिटी के बाहर, बिल्कुल नो नॉइज, इतना नॉइज नहीं है वहाँ पे, एक अच्छा लगता है. हम लोग बहुत बार गए हैं पहले भी, लेकिन हाँ मेरा एक बार मन है कि हम लोग लंच करने वहाँ पे जाए, मतलब दिन में, यू नो दिन में थोड़ा उसका माहौल देखने का मुझे बहुत इच्छा है. तो या वी विल प्लान सून. अभी तो दिस वॉज इट फॉर दिस ब्लॉग गाइज, अगर आपको अच्छा लगा ये गोकुल धाम का धावा, डू विजिट दिस प्लेस. वहाँ पे स्टाफ के बिहेवियर बहुत अच्छा था, मतलब एंड द ओनर वी ऑल्सो नो हिम लाइक हाँ पहले से ही, तो हाँ मतलब मैं नहीं जानती थी, कुमार जानते थे, तो या ही वॉज ही इज़ वेरी गुड एंड या बाकी एक अच्छा इन्वायरमेंट है एंड साथ में म्यूजिक भी बजता है अगर आपने देखा हो तो, एक अच्छा लगता है, मतलब अगर आपका मूड भी ऑफ रहता है ना अगर आप जाओगे तो फिर यू विल हैव अ गुड टाइम देयर. सो या गाइज डू टेल मी कैसा लगा आपको ये मेरा आज का ब्लॉग एंड डू लाइक द ब्लॉग, डू शेयर माई ब्लॉग विद योर लव्ड वंस एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय. Thank you.